हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं टैमरॉन के 35150 f/2.82 f/4 DIVC OSD लेंस फॉर कैनन EF, या फिर ये और भी ब्रांड्स के लिए आता है, निकॉन के लिए या सोनी के लिए मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट मैंने ये लेंस अभी अभी देखा और एक वीडियो में भी मैंने इसके बारे में देखा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे लेंस नहीं ले सकते, यानी कि 35mm ना ले, 50mm ना ले, 85mm ना ले, 100mm ना ले, 135mm ना ले, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं ले सकते या फिर वो लेना नहीं चाहते। और लेना क्यों नहीं चाहते, उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि भाई उनके पास उस लेवल का या उतना काम नहीं है। और मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ, इस चीज़ के साथ एग्री करता हूँ कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम बहुत कम और बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ चल सकता है। तो आज इसी श्रृंखला में मुझे लगता है कि टैमरॉन का ये 35150 f/2.82 f/4 का कॉन्स्टेंट अपर्चर वाला जो लेंस है वो बहुत अच्छा है, ये मुझे ऐसा लगता है। मेरे पास ये लेंस नहीं है, बट इसका जो स्पेसिफिकेशन है, या फिर अगर आप इंटरनेट में इसके बारे में थोड़ा सर्च करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये लेंस लेने के लायक है। ऐसा मुझे लगता है। मैं टैमरॉन के लेंसेज पसंद करता हूँ। अभी जो आपका वीडियो शूट हो रहा है वो भी 24-70 2.8 टैमरॉन से ही हो रहा है, तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो टैमरॉन के लेंसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैं पसंद करता हूँ टैमरॉन के लेंसेज। तो अब अगर हम इस लेंस का डिटेल देखें, देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑन हैंड तो ये लेंस नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जो वेव्स हैं ना वो बहुत अच्छे आते हैं, ऐसा लगता है कि नहीं यार ये लेंस अच्छा होगा। तो उसी तरीके से मैंने इसके कुछ रिव्यूज़ देखे इसमें इंटरनेट में, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे पेटापिक्सल करके एक साइट है, यहाँ पे इसके बारे में इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये 5-6 फोकल लेंथ को कवर करता है, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm और 150mm। तो देखिए ये सारे फोकल लेंथ आपको इसमें मिल जाते हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है, ये f/4 से ऊपर नहीं जाता। अगर आप 150mm में भी फोटोशूट करते हैं तो ये 5.6 से 6.3 में शिफ्ट नहीं होता, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। आप f/4 में शूट कर सकते हैं। तो ये लेंस इस कारण मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई इसका जो अपर्चर वैल्यू है ना, ये इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है एज एन जूम लेंस में, तो इसकी क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी। और इसका अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप इस पेटापिक्सल करके ये जो साइट है petapixel.com, ये इसमें इसका जो रिव्यू है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप यहाँ पे जाके इसका सारा डिटेल देख सकते हैं। इनके इन्होंने कुछ सैंपल पिक्चर्स भी इसमें दिए हुए हैं, और सैंपल पिक्चर को देखने के बाद लगता है कि हाँ ये काफ़ी अच्छा लेंस होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत है एक ऐसे लेंस की कि भाई जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा ना हो, तो अब इस लेंस के पैसों की बात करूँ, यानी कि जुर्माने की बात करूँ, कितना जुर्माना आपको भरने के बाद यह लेंस मिलेगा, तो तकरीबन ये लेंस जो है वो 50,000 के आसपास का है। ऐसा मैंने अभी अभी इसमें देखा, इसकी वेबसाइट में अगर आप जाएं, यहाँ पे $799 दिखाता है, तो तकरीबन 55,000-50,000 के समथिंग ये होता है। तो अगर 50-55,000 में आपको एक ऐसा लेंस मिले जिसमें आपको 4-5 अच्छे फोकल लेंथ मिल जाए, प्लस आपका जो अपर्चर वो कांस्टेंट मिले, इसका डायफ्राम या डायमीटर जिसको अपन बोलते हैं वो 77mm का, यानी कि इसका जो कवरेज है वो भी बड़ा है, तो एक सिंपल वेडिंग में अगर आप जा रहे हैं, आपको अगर आपको कैंडिड शूट करना है, तो f/4 का अपर्चर भी कम नहीं होता है। सोनी के बहुत सारे ऐसे लेंसेज हैं, जैसे 70-200 सोनी ने बनाया, वो f/4 लेंस में f/4 में भी बनाया हुआ है। तो अब जब बड़े ब्रांड्स जो हैं वो f/4 सीरीज़ दे सकते हैं 70-200 जैसे लेंस में, तो ये आप क्यों नहीं ले सकते। मेरे हिसाब से ये लेंस अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है, बट मैंने पर्टिकुलर से ट्राई नहीं किया है। आई होप अगर ये मुझे कहीं से मिले या फिर कोई रिव्यूज़ आए इसके लिए, रिव्यू के लिए आता है, तो मैं ज़रूर इसे ट्राई करूँगा, और अगर ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे परचेज भी करूँगा। बहरहाल, अगर मैं इसे एक रीडिंग मेथड के थ्रू देखूँ, और तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, आप ज़रूर पढ़ें स्पेसिफिकेशंस। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस बोल सकता हूँ पढ़ के या फिर देख समझ के, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ें जिससे आपका नॉलेज और ग्रोथ हो। तो ये नॉलेज ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये फुल फ्रेम का लेंस है। तो अगर आप ये क्रॉप सेंसर के लिए भी यूज़ करते हैं तो भी आप मान के चलिए कि इसका फोकल लेंथ या फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, जिससे आपको और जूमिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाती है। तो ये एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए या कैंडिड फोटोग्राफी अगर आप वेडिंग में चाहते हैं जिसमें आपको ज़्यादा जूम चाहिए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें मल्टीपल फोकल लेंथ है, आपको बार बार लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है इसकी जो प्राइसिंग है, इस प्राइसिंग में ये जो लेंस है ये काफ़ी अच्छा है। यह लेंस जो है इसमें DIVC भी है, यानी कि जैसे अगर आप निकॉन का लेंस लेते हैं उसमें VR होता है, आप कैनन का लेंस लेते हैं तो उसमें IS होता है, वैसे ही टैमरॉन के लेंसेज में VC होता है जो कि वाइब्रेशन कंट्रोल कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें इससे काफ़ी बेहतर बनाती है। लेंस का जो लुक मुझे दिखाई देता है वो काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ही लेंस से काम करना चाहते हैं और आपको बजट में कोई लेंस लेना है तो आप इस लेंस की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि ये लेंस मेरे पास नहीं है, मैंने आज ही इसे इंटरनेट पर देखा है, तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर करूँ, सो मैंने आपसे शेयर किया। अगर आपको ये लेंस अच्छा लगता है तो आप एक बार इसे टैमरॉन के सेंटर में जाके ट्राई करके देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए लेंस से रिलेटेड। और आप अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।